अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। हमारा चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 ख़त्म हो गया था क्लास 10th मैथ्स, और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20, दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आपको पता है और आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2, यह आपको पता होगा स्टूडेंट्स, सही है। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म है, और ये एमसीक्यूज में भी आती है कि वो 4 फॉर्म्स होती हैं, उसमें से आपको बताना होता है कि क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो आप ये देख लें, और आप 9th में पढ़ चुके होंगे, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। अब देखें, x तो पता चल गया, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। अब आप बोलेंगे a और b का क्या है? तो a और b जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स पता है आपको क्या होते हैं? वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। a भी कोफिशिएंट है, b भी कोफिशिएंट है। अब सवाल ये पैदा होगा कि c भी कोफिशिएंट है। अब c के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस c को कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, इस c को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी? ax² + bx + c, ठीक है। अगर आप बोलें तो मैं इसको एक और इक्वेशन से कंपेयर कर देता हूं। जैसे फर्ज करेंगे a लिखा हुआ है, a का मतलब कोई भी नंबर, मैंने लिख दिया यहाँ 5, ठीक है। x² एज इट इज प्लस b का मतलब कोई भी नंबर, ये मैं 2 लिखा हूँ, सही है। प्लस c क्या होता है स्टूडेंट्स? c होता है आपका नंबर, आपने यहाँ नंबर लिख दिया 1 = 0। तो इस तरह की इक्वेशन जो बनेंगी ना, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब पहली पावर स्क्वायर होगी, मतलब हाईएस्ट पावर आपकी स्क्वायर होगी इसमें, ठीक है। तो ये तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक और चीज़ पढ़ी होगी आपने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं सॉल्व किस किस मैथड से होती हैं। तो एक मैथड तो आपने पढ़ लिया था 9th में, वो मैथड था फैक्टराइजेशन का। और फैक्टराइजेशन क्या होता है? जिसमें मिडिल टर्म हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। दूसरा भी मेथड आपने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्लास 9th में, और वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो भी आपने पढ़ा था, वो इतना ज़्यादा आता नहीं है। तीसरा जो मेथड है स्टूडेंट्स, वो भी पढ़ चुके हैं आप, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले से सॉल्व करना, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आपके सामने लिख दिया मैंने, जो कि होता है x = -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। ये आप इससे वाकिफ हैं। अब आप पूछेंगे ए बी सी क्या है, वो आपको मैं बता देता हूँ, बल्कि बता चुका हूँ। ए ये होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है, और सिंपल जो होता है सिर्फ नंबर, उसको हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं, ठीक है। इससे हम एक्स की वैल्यूज निकालते थे। और आपको पता है क्वाड्रेटिक, सही है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, और लास्ट में जो आपके सॉल्यूशन सेट आएंगे, जो आंसर्स आएंगे आपके पास, वो एक नहीं आएंगे, वो कितने आएंगे? 2 आंसर्स आते हैं, आप सबको मालूम है पहले से, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें दूसरा जो टॉपिक है ना, वो देखिए वो बड़ा अहम है, वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? रूट्स का मतलब होता है जो हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आती है ना, 2 लास्ट में जो हम सॉल्यूशन सेट बना के लिखते हैं, वो हमारे पास आंसर तो होते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस एक्सरसाइज में, बल्कि जो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें बताना है कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख लें, अंडर रूट के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? रूट के अंदर आपको नज़र आ रहा है b² - 4ac। 2a नहीं पूछ रहा मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ रूट के अंदर क्या नज़र आ रहा है, b² - 4ac। तो स्टूडेंट्स, ये b² - 4ac जो है ना, ये आपको बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं उनका नेचर क्या है। इसीलिए हम b² - 4ac को हम लिखते हैं d से भी शो करते हैं और डेल्टा से भी। अब आप बोलेंगे चलें डेल्टा का साइन तो हमें पता है क्या होता है, ये डी क्या है? डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, और रूट्स क्या होता है स्टूडेंट्स?
जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स आते हैं वो होते हैं हमारे पास रूट्स, और हमें उनका क्या बताना होता है, नेचर। तो स्टूडेंट्स, चार पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको याद करना होगा, जो आपके MCQs में भी मददगार साबित होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त भी बहुत ही अहम। तो देखिए, सबसे पहला नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, इफ डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट, वो आपको मैंने बता दिया डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपका जो एक्स का या किसी भी वेरिएबल का जो आंसर आएगा अगर जीरो से बड़ा आया, ठीक है, अगर जीरो से आंसर आपका ग्रेटर आया, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये आप सिर्फ याद करें, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगी जीरो, ठीक है, तो जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रियल भी कहते हैं और अनइक्वल भी कहते हैं, याद रखिएगा, सही है। दूसरी चीज पे आ जाए, अगर डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट छोटा होगा जीरो से, मतलब जीरो से छोटा, माइनस में वैल्यू आएगी आपके पास, द रूट्स आर नॉन रियल, और आपको पता है, अच्छा एक और चीज बल्कि यहाँ बता देता हूँ, देन द रूट्स आर नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब देखिए, एक होता है रियल नंबर, एक होता है नॉन रियल। रियल नंबर, दुनिया में हर नंबर रियल होता है। नॉन रियल क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव में आए ना, मतलब डी की वैल्यू जो छोटी, आप खुद बताएं जरा, यहाँ पे देखें, ये हमने पूरा लिखा हुआ था, सही है, ये पूरा मैंने आपको बताया था अंदर वाली चीज क्या होती है, ये पूरी नेचर बताती है, सही। फर्ज करें इसका आंसर अगर आया 4, तो 4 का रूट तो हम ले सकते हैं ना, तो ये 2 आ गया, प्लस माइनस 2, ये आपको पता है, ठीक है, तो 2 पॉजिटिव नंबर है ना, मतलब 2 वैसे क्या, 4 का रूट तो क्या होता है, 2 होता है, सही है, तो 2 जो आएगा ना इससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हम आंसर क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, हम ये लिखेंगे आंसर, सही है। लेकिन अगर आपके पास माइनस 4 आ जाए अंदर, याद करें स्टूडेंट्स, माइनस 4 रूट के अंदर आ जाए तो हम क्या लगाते थे, हम आयोटा लगाते थे, और आयोटा कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, आयोटा जो नंबर है वो है इमेजिनरी नंबर, सही है, और आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा 9th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो डी की वैल्यू अगर लेस देन है जीरो से, तो रूट्स क्या है, नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी, ठीक है, जिसमें आयोटा वगैरह लगता है। 2 पॉइंट्स हो गए, पहला पॉइंट क्या था, डी की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, रूट्स रियल है और अनइक्वल है, और डी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो होगी तो आपको क्या लिखना है, रूट्स कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। अगर तीसरा पॉइंट, डेल्टा की वैल्यू या डी की वैल्यू बराबर है जीरो के, पहले पॉइंट क्या था, पहला था ग्रेटर देन जीरो, दूसरा था लेस देन जीरो, तीसरा है इक्वल्स टू जीरो, देन द रूट्स आर, मतलब आपका आंसर अगर जीरो आ गया है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स का मतलब जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड रेशनल, सही है, इक्वल होंगे और रेशनल होंगे, ये आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, नेचर ऑफ रूट्स का, इफ डेल्टा इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे आपके पास आंसर आया 49, क्या 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 49 तो स्क्वायर हो गया ना, किसका स्क्वायर हुआ, 7 का स्क्वायर हो गया, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। 48 क्या है, 48 परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर आया, तो वही फोर्थ पॉइंट है, इफ डेल्टा इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। दोबारा सुन लें, अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आती है तो रूट जो होंगे वो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आती तो इरेशनल होंगे। तो ये चार चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत हेल्प आउट करेंगी आपको, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी हेल्प आउट करेंगी। तो ये याद कर लें आप, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये डी की वैल्यू है या फिर डेल्टा की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4AC, और बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या बताते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर। और रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो आंसर्स आते हैं उनको हम रूट कहते हैं, ठीक है। ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन था थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।